Hey guys, what is up? Hope you all doing fine. Welcome to my channel. I am with Parikh, working as a software engineer at Swiggy. So in this video, we'll be covering the basics that are required to start your front-end development journey in 2023. We won't be covering any intermediate or advanced level thing. The aim for this video is to just make you guys understand and ensure that you follow the correct track while you learn front-end development as a beginner. Video ko end tak dekhna, kyunki kafi useful lagega. So without wasting any time, let's get started. फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग इज ब्राउजर. आपको ब्राउजर के बेसिक्स अच्छे से समझने होंगे. आप सोच रहे होंगे कि फ्रंट एंड डेवलपमेंट में ब्राउजर के बेसिक्स, बट हाँ, काफ़ी लोग क्या करते हैं कि ये टॉपिक मिस कर देते हैं और डायरेक्ट HTML CSS JavaScript पे जंप कर देते हैं. बट आपको ऐसा नहीं करना है. आप जब भी ब्राउजर के एड्रेस बार में कोई URL हिट करते हो, आपको पता होना चाहिए कि ब्राउजर बिहाइंड द सीन्स क्या काम करता है. ब्राउजर कैसे कनेक्शन एस्टेब्लिश करता है सर्वर के साथ, ब्राउज़र कैसे आईपी एड्रेस निकालता है, ब्राउज़र कैसे पेज रेंडर करता है जो आपको UI में दिखता है, वो सब आपको समझना है. आपको पता है URL क्या है, बट आपको URL का स्ट्रक्चर भी समझना होगा. उसके बाद ही आप HTML CSS JavaScript में जंप करो. अभी आपको कुछ रिसोर्सेज दिखाता हूँ मैं, जहाँ से आप अंडरस्टैंडिंग ले सकते हो. तो इसमें हम देख लेंगे पहले कि हाउ डज द इंटरनेट वर्क. मेमडियन वेब डॉक्स का ये आर्टिकल है, आप इसको पढ़ सकते हो. नेक्स्ट हम आते हैं कि हाउ डज द ब्राउजर वर्क. ये एक आर्टिकल है, यहाँ पे समझाया हुआ है कि ब्राउजर कैसे काम करता है. ब्राउजर का पूरा हाई लेवल स्ट्रक्चर भी दिया हुआ है. ब्राउजर के मेन कंपोनेंट्स कौन से हैं, पूरा डायग्राम अच्छे से समझाया हुआ है. रेंडरिंग इंजन क्या है, उसका फ्लो कैसे है, और एग्जांपल से भी समझाया हुआ है कि क्रोम में कैसे काम करता है, मोज़िला में कैसे काम करता है. नेक्स्ट हम आते हैं HTTPS वर्क्स. एक बहुत ही अच्छा रिसोर्स है, जहाँ पे इन्होंने एपिसोड और कैरेक्टर्स थ्रू समझाया हुआ है पूरा कि कैसे HTTPS काम करता है. ठीक है, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग रिसोर्स है, आप इसको देख लेना एक बार, काफ़ी मज़ा भी आएगा और अच्छे से समझ भी आएगा. नेक्स्ट हमें देखना है कि हाउ DNS वर्क्स. ठीक है, तो सिमिलरली इन्होंने बताया हुआ है एपिसोड्स और कैरेक्टर्स की DNS कैसे काम करता है. ठीक है, तो आप इसको भी ज़रूर देख लेना. और ये एक मीडियम का आर्टिकल है जिसमें समझाया है 9 पार्ट्स ऑफ URL यू शुड नो. यहाँ पे काफ़ी अच्छे से पूरा बताया हुआ है कि कौन से पार्ट्स है और रोल लिया है. मैं सारे लिंक्स और कंटेंट डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा, आप देख लेना. सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू HTML. व्हाट इज HTML? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, राइट? अगर सिंपल भाषा में समझाऊँ तो एक घर कैसे तैयार होता है, उसका स्ट्रक्चर कैसे बनता है. ब्रिक्स है, ठीक है, सीमेंट उसके बाद लगती है, कलर या स्ट्रक्चर उसके भी बाद लगता है. ठीक है, वैसे ही HTML इज यूज स्ट्रक्चर योर वेब पेज और वेबसाइट. ठीक है, पूरा स्ट्रक्चर जो रेडी होता है वो HTML के टैग्स के थ्रू बनता है. टैग्स आपके ब्राउजर को बताएंगे कि क्या डिस्प्ले करना है और कौन से ऑर्डर में डिस्प्ले करना है. आपने कुछ कंटेंट हेडर में डाल दिया, कुछ कंटेंट पैराग्राफ में डाल दिया, कुछ कंटेंट फुटर में डाल दिया, तो ब्राउजर भी उसी तरह वेब पेज में रेंडर करेगा. आपको कुछ अच्छे फ्री रिसोर्सेज दिखा देता हूँ HTML पे, जो आप फॉलो कर सकते हो. फर्स्ट है फ्री कोड कैंप का वीडियो ट्यूटोरियल. यहाँ पे इन्होंने HTML पूरे अच्छे से समझा हुआ है, आप देख सकते हो 4 घंटे का फुल कोर्स है. और नीचे कंटेंट्स में आप देख सकते हो कि क्या क्या इन्होंने कवर किया है. ठीक है, ये काफ़ी यूजफुल रिसोर्स है, आप इसको कर सकते हो. तो सेकेंड रिसोर्स है ये कोड विथ हैरी का HTML ट्यूटोरियल. इन्होंने भी विथ नोट्स हिंदी में अच्छे से समझा हुआ है और इन्होंने भी ऑलमोस्ट सारे टॉपिक्स कवर किए हैं. और यहाँ पे इन्होंने ड्राइव लिंक भी दिया है जहाँ पे आप नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं. ठीक है, इन्होंने पूरा सेक्शन चैप्टर वाइज कवर किया है, ये भी काफ़ी यूजफुल है, इसको भी फॉलो कर सकते हो. यहाँ पे आप देख सकते हो HTML टैग्स, लिस्ट, टेबल, SEO सब कुछ कवर्ड है. थर्ड रिसोर्स है ये w3schools.com. यहाँ पे आपको डॉक्यूमेंटेशन टाइप सब मिल जाएगा. ठीक है, अगर आपको इंटरेस्ट है कि डॉक्यूमेंटेशन से अच्छे से आपको समझ आता है तो आप इसको फॉलो कर सकते हैं. और ये एक रिसोर्स है रिस्पॉन्सिव वेब डिज़ाइन का सर्टिफिकेशन कोर्स, ये फ्री कोड कैंप खुद प्रोवाइड करता है. HTML के यहाँ पे अच्छे से टॉपिक्स कवर किए हैं. यहाँ पे ये लोग दिखाएंगे कि प्रोजेक्ट के साथ आप HTML कैसे सीख सकते हो. यहाँ पे आप प्रीव्यू में देख सकते हो कि ये लोग क्या बनाएंगे. और इनका ये HTML फॉर्म्स का भी एक अलग से सेक्शन है, इसको भी कर सकते हो. यहाँ पे भी आपको प्रोजेक्ट थ्रू बताएंगे कि HTML फॉर्म्स में क्या क्या होता है. और इन्होंने बीच बीच में सर्टिफिकेशन प्रोजेक्ट भी ऐड किए हैं, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो. तो इसको भी करना, इससे आपको प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छे से मिल जाएगा. सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू CSS. सिंपल भाषा में यही है कि आपको आपके वेबसाइट या वेब पेज में अपने HTML डाल दिया, ठीक है, स्ट्रक्चर रेडी कर दिया, अभी आपको स्टाइलिंग ऐड करनी है, तो आप क्या करोगे, यूज CSS. स्टाइल्स यू कैन राइट फॉर एनीथिंग जो भी आपने HTML में यूज़ किया हो. इट कैन बी इमेजेस, इट कैन बी टेक्स्ट, यू कैन ऑल्सो राइट स्टाइल्स फॉर ट्रांजिशंस, एनिमेशंस, एनीथिंग. अगर आपने एक बार CSS स्टार्ट किया ना, उसके बाद यू विल लव दी वे हाउ CSS कैन चेंज दी लुक एंड फील फॉर अ वेबसाइट. मैं अभी कुछ रिसोर्सेज दिखाता हूँ जहाँ से आप CSS सीख सकते हो. तो फर्स्ट है ये फ्री कोड कैंप का वीडियो ट्यूटोरियल CSS पे. ठीक है, यहाँ पे इन्होंने 11 घंटे का पूरा फुल कोर्स अपलोड किया है.
यहाँ पे आप देख सकते हो कि कौन से टॉपिक्स हैं, ठीक है। इसमें से मोस्टली सारे CSS के टॉपिक्स कवर हो जाते हैं, और यहाँ पे इन्होंने फाइनल प्रोजेक्ट भी डाला हुआ है, ठीक है। आप फाइनल प्रोजेक्ट भी देख सकते हो क्या है, और प्रैक्टिस कर सकते हो। सेकंड है ये CSS ट्यूटोरियल बाय कोड विद हैरी। इन्होंने हिंदी में पूरा अच्छे से समझाया हुआ है, जैसे HTML में ही था वैसे CSS में भी है अच्छे से, विद नोट्स इन्होंने दिया हुआ है, आप इसको रिफर कर सकते हो। इन्होंने भी ऑलमोस्ट सारे टॉपिक्स कवर किए हैं विद प्रोजेक्ट। यहाँ पे ये फ्लिपकार्ट क्लोन प्रोजेक्ट बना रहे हैं, तो आपको ये काफ़ी हेल्पफुल रहेगा, आप चाहो तो इसको फॉलो कर सकते हो। थर्ड है ये MDN वेब डॉक्स। इसमें भी CSS का पूरा डॉक्यूमेंटेशन अच्छे से किया हुआ है। अगर आप लेफ्ट साइड देखोगे तो ट्यूटोरियल्स में इन्होंने CSS के बेसिक्स दिए हुए, CSS काम कैसे करता है, CSS के बिल्डिंग ब्लॉक्स, स्टाइलिंग टेक्स्ट, CSS लेआउट भी अच्छे से दिया हुआ है, तो आप इसको भी रेफर कर सकते हो, इसमें भी सब कुछ कवर्ड है। और ये फोर्थ है रिस्पॉन्सिव वेब डिज़ाइन सर्टिफिकेशन कोर्स बाय फ्री कोड कैम्प। जो HTML में हमने देखा था वही CSS के लिए भी है, काफ़ी सारे टॉपिक्स हैं आप देख सकते हो। जैसे मैंने पहले भी बताया था, यहाँ पे आपको अच्छा सा हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस मिल जाएगा विथ प्रोजेक्ट, ठीक है। ये प्रोजेक्ट के साथ ही सब कुछ दिखाते हैं, तो ये भी एक अच्छा रिसोर्स है, आप इसको फॉलो कर सकते हो। पर यहाँ पे सर्टिफिकेशन प्रोजेक्ट भी CSS पे है, जैसे ये प्रोडक्ट लैंडिंग पेज हो गया, पर्सनल पोर्टफोलियो हो गया, तो आप ये भी कर सकते हो। सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट क्या है? JavaScript is just a client-side programming language that the browser understands and is used to create an interactive experience for the user. JavaScript nowadays is also used in the server-side programming language. यार पहले क्या होता था कि सिर्फ static websites ही होती थी, जहाँ पे आप link डाल सकते हो और न्यू पेजेस लोड कर सकते हो। बट अभी क्या है कि जावास्क्रिप्ट की हेल्प से आप डायनेमिक वेबसाइट्स भी बना सकते हो। जावास्क्रिप्ट हैज ऑल द पावर। सो अब कुछ जावास्क्रिप्ट के फीचर्स के बारे में बात कर लेते हैं। पहले क्या था कि जब भी हम कुछ नया कंटेंट डालना चाहते हो तो हमें पेज रीलोड करना पड़ता था। बट अभी क्या है कि विद द हेल्प ऑफ AJAX वी कैन लोड न्यू कंटेंट विदाउट रीलोडिंग द पेज। कई बार क्या है कि CSS में एनिमेशन लॉजिक काफ़ी कॉम्प्लेक्स हो जाता था, बट अभी विद द हेल्प ऑफ जावास्क्रिप्ट वी कैन एनिमेट द पेज कंटेंट्स इजीली। वी कैन ऑल्सो हैंडल ऑल द वैलिडेशन रियली वेल इन अवर फॉर्म विद द हेल्प ऑफ जावास्क्रिप्ट। तो ये है कुछ अच्छे सिलेक्टेड जावास्क्रिप्ट रिसोर्सेज जहाँ से आप सीख सकते हो। तो नंबर वन पे आता है ये नमस्ते जावास्क्रिप्ट बाय अक्षय सैनी। जावास्क्रिप्ट का पूरा कोर फंडामेंटल्स यहाँ पे अच्छे से उन्होंने समझाया हुआ है। यहाँ पे आप साइड में देख सकते हो कि इनके काफी सारे वीडियोस हैं। इसको करके आपको इंटरव्यू में भी काफी हेल्प मिलेगी। इन्होंने काफी अच्छे से एक्सप्लेन किया है सारे कॉन्सेप्ट्स। इन्होंने काफी सारी चीजें बताई हुई है जो एक्सपीरियंस डेवलपर को भी पता नहीं होगी, तो आई वुड रिकमेंड कि ये सबको करना चाहिए। सेकंड नंबर पे आता है ये जावास्क्रिप्ट द कंप्लीट गाइड बाय मैक्सिमिलियन। ये कोर्स आपको यूडेमी में मिल जाएगा। ये भी काफ़ी अच्छा कोर्स है और ये काफ़ी अच्छा समझाते हैं। यहाँ पे आप बिगनर टू एडवांस कंसेप्ट सब कुछ सीख सकते हो। और आप चाहो तो ये MDN वेब डॉक्स भी फॉलो कर सकते हो जावास्क्रिप्ट के लिए। यहाँ पे भी अगर आप लेफ्ट साइड में देखोगे, इन्होंने कंप्लीट बिगनर्स में बताया हुआ है कि जावास्क्रिप्ट क्या है, कैसे काम करता है, जावास्क्रिप्ट की गाइड भी दी हुई है, और इंटरमीडिएट और एडवांस कंसेप्ट भी इन्होंने कवर किया है। ठीक है, ये सारा अच्छे से इन्होंने डॉक्यूमेंट किया हुआ है, तो आप चाहो तो ये भी फॉलो कर सकते हो। नेक्स्ट डे आप फ्री कोड कैंप का भी रिसोर्स देख सकते हो। यहाँ पे उन्होंने काफ़ी सारे सेक्शंस दिए हैं जावास्क्रिप्ट में, आपको लॉजिक बिल्डिंग में भी काफ़ी हेल्प करेंगे। मैंने ये पर्सनली भी फॉलो किया था, तो आई वुड रेकमेंड कि इसको तो जरूर करना। सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू जावास्क्रिप्ट फ्रेमवर्क। जावास्क्रिप्ट फ्रेमवर्क है क्या? इट इज नथिंग बट अ कलेक्शन ऑफ लाइब्रेरीज कंटेनिंग कोड रिटन इन JS दैट कैन मेक योर लाइफ ईजियर एज अ डेवलपर। अभी काफ़ी सारे जावास्क्रिप्ट फ्रेमवर्क्स अवेलेबल है दैट आर ट्राइड एंड टेस्टेड आउट एंड विच यू कैन यूज देम टू बिल्ड इंटरैक्टिव वेब एप्स। तो अब आपने HTML, CSS, JavaScript अच्छे से कर लिया, उसके बाद आप सीख लो एक JavaScript फ्रेमवर्क। रिएक्ट, एंगुलर, व्यू कोई भी एक ले सकते हो। यहाँ पे मैंने रिसोर्सेज बताए हुए हैं और ये पर्सनली रिकमेंडेड रिसोर्स है जो आप फॉलो कर सकते हो। मैंने ये तीन सेक्शन में डिवाइड किया है, एक है YouTube चैनल, दूसरा है डॉक्स और थर्ड है प्लेटफॉर्म स्पेसिफिक रिसोर्सेज। तो YouTube चैनल्स में मैं दो ही रिकमेंड करूँगा, एक है फ्री कोड कैंप और दूसरा है कोड वॉल्यूशन। यहाँ पे आप अच्छे से सीख लोगे। और डॉक्स में फॉलो करो तो फ्रेमवर्क के ऑफिशियल डॉक्स ही फॉलो करना। फ्रेमवर्क के ऑफिशियल डॉक्स में सब कुछ अच्छे से समझाया हुआ है। और प्लेटफॉर्म स्पेसिफिक रिसोर्सेज में दो रेकमेंड करूँगा, एक है यूडेमी, दूसरा है प्लूरल साइट। ठीक है, मैंने यहाँ पे ऑथर भी बताया हुआ है जिसके कोर्सेज आप ले सकते हो। तो ये था बेसिक्स रिक्वायर्ड टू स्टार्ट योर फ्रंट एंड डेवलपमेंट जर्नी। अगर आपको कुछ भी डाउट्स या क्वेरीज हो तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो, मैं नेक्स्ट वीडियो उसी पे बनाऊंगा। टिल देन ऑल द बेस्ट, टेक केयर, बाय।